मोदी को अंदर सब खराब कर दो। संसद में 141 सांसदों को बर्खास्त करने का मामला लगातार धूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी कितना भी चाहले, लेकिन 141 सांसदों की बर्खास्तगी की चर्चा हर तरफ। बेशक गोदी मीडिया इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए है, लेकिन मुद्दा किसी आम जनता से छिपा नहीं है। और ऐसा हो सकेगा, क्योंकि संसद के इतिहास में जो अब की बार हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि राजीव गांधी के शासन में सांसद बर्खास्त किए गए थे, लेकिन तब भी इस तरीके से नहीं, हिटलर की तरह नहीं। माफ कीजिएगा, हिटलर भी उनसे कई गुना बेहतर है। और क्योंकि गोदी मीडिया 141 सांसदों के मुद्दे को इतना बड़ा नहीं मानते हैं जितना उपराष्ट्रपति की फीलिंग्स को मानते हैं, तो इसीलिए 141 सांसद बर्खास्ती के मामले को लेकर आज सड़कों पर नजर आए हैं और उन्होंने जमकर हल्ला बोला है। यह मौके पर राहुल और सोनिया गांधी भी प्रदर्शन में पहुंचे और सांसदों को समर्थन किया। इतना ही नहीं, इंडियन यूथ कांग्रेस ने भी आज संसद का घेराव किया है, जहां उन्होंने सांसदों के निलंबन होने के साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें, आज देश के अंदर जिस तरह के हालात हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से तानाशाही मचाई हुई है, इसके विरोध में राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस ने लड़ाई छेड़ दी है। हालांकि राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के श्रीनिवासन ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बेरोजगार युवक करेंगे मोदी सरकार की विदाई का शंखनाद। 20 दिसंबर 2023, जंतर मंतर, दिल्ली।